एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। करवा चौथ बहुत ही पास है तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैसे डेकोरेट करते हैं करवा थाली और छन्नी, वो भी पूरा मैचिंग पूरी सेट डेकोरेट करना मैं सिखाऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लूंगी मैं करवा, ये करवा मुझे ऑलरेडी पेंटेड मिला है मार्केट से। अगर आपको नहीं मिलता ऐसा तो आप इसको कलर कर सकते हैं एक्रेलिक कलर से। हॉट ग्लू का यूज करूंगी मैं यहाँ, आप नॉर्मल ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। इस पे लेस लगा देंगे, ये लेस इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। तो इस तरह से हम लगा देंगे, इसे कट कर लेते हैं और अब मैं फिर से लेस लगाऊंगी, उल्टी लेस लगाऊंगी ताकि एक पैटर्न क्रिएट हो जाए और दोनों साइड के मोती बीच में आ जाए। तो ग्लू लगा देंगे और इस तरह से इसे लगा देंगे, ये देखिए। अब यहाँ पेंसिल से एक लाइन बना देंगे ताकि हम जो भी पैटर्न यहाँ क्रिएट करेंगे वो स्ट्रेट रहे। तो इस तरह से आप लाइन लगा दीजिए। पर्ल की चेन लूंगी मैं, ये इजिली मार्केट में अवेलेबल होती है। ग्लू लगा के इसे स्टिक कर लेते हैं, ये देखिए। इस तरह से अब मैं यहाँ हाफ कट पर्ल लूंगी और गोल्डन चेन लूंगी। तो सबसे पहले यहाँ गोल्डन चेन लगा देंगे, फिर ग्लू लगा के हाफ कट पर्ल्स लगा देंगे। या आप टूथपिक से लगा सकते हैं बड़े आसानी से। तो इस तरह से हमने एक पैटर्न क्रिएट किया है, पर्ल चेन, बॉल चेन और फिर पर्ल्स, ये देखिए। यहाँ मैं फोम शीट लूंगी और पेपर का एक टुकड़ा लूंगी, उसको हाफ फोल्ड कर देंगे और पेंसिल से लीफ पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। बेसिकली हम यहाँ कटआउट बना रहे हैं लीफ शेप का ताकि हमारा जो फोम शीट से हम लीफ कट करें तो वो एक ही साइज के कट हो। तो इसे ट्रेस कर लेते हैं फोम पेपर पे इस तरह से। ये हमारा पैटर्न रेडी है और इसे कट कर लेते हैं। तो एक ही साइज का आपको फोम का लीफ मिलेगा, ये देखिए। इस तरह से चार कट कर लेंगे और इसे स्टिक कर लेंगे करवा पर। अगर आपके पास स्टिकर वाला फोम शीट नहीं है तो आप नॉर्मल फोम शीट भी यूज कर सकते हैं और उसे ग्लू कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ ग्लू लगाऊंगी और जो पर्ल चेन हमने ऊपर स्टिक की है वही मैं यहाँ स्टिक करूंगी इस तरह से। जो लीफ हमने चिपकाया है उसके आजू बाजू, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हम सारे लीफ के आसपास ये पर्ल चेन लगा देंगे। अब जो पैटर्न हमने ऊपर क्रिएट किया है पर्ल चेन, फिर गोल्डन चेन और फिर पर्ल्स, तो वही पैटर्न हम यहाँ पे भी क्रिएट कर देंगे नीचे। पहले पर्ल चेन लगाएंगे, फिर गोल्डन चेन लगाएंगे और अब पर्ल्स की बारी। तो इस तरह से हम लगा देंगे। अब मैं यहाँ जहाँ लीफ हमारा है उसके ऊपर हम तीन पर्ल स्टिक कर देंगे, दो नीचे और एक ऊपर, तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा। फिर ये दोनों के बीच में हम एक और पैटर्न क्रिएट करेंगे, वही दो पर्ल्स और एक पर्ल ऊपर, तो ये हमारा इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो ये टिप है आज की वीडियो की। तो देखिए मैंने कर दिया है। 3D लाइनर लूंगी यहाँ मैं फेविक्रिल का और ओम लिखूंगी। 3D लाइनर से बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है इस करवे में और बहुत आसान भी है ये यूज करना। तो एक लीफ पे मैं ओम लिखूंगी और एक पे मैं स्वस्तिक बनाऊंगी, ये देखिए। तो हम ऑल्टरनेट बनाते जाएंगे, एक पे ओम, एक पे स्वस्तिक, एक पे ओम। तो इस तरह से हमारे पास चार पत्तियां हैं, तो चारों पे हम लिख देंगे। यहाँ पे भी मैं एक डिजाइन बना दूंगी, फ्लावर डिजाइन, ये देखिए, और डॉट्स लगा देंगे। लग रहा है ना ये सुंदर। यहाँ मैंने ग्रीन कलर का कुंदन लिया है, तो दो पत्तियों के बीच में हम एक पर्ल स्टिक करेंगे और ये जो कुंदन है आप उससे एक फ्लावर बना देंगे। हम आसपास इसको लगा देंगे, ये देखिए। जब ये सूख जाएगा ग्लू तो ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। तो एक पर्ल लगा देंगे और उसके आसपास कुंदन लगा देंगे। तो इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ मुझे थोड़ा खाली लग रहा था तो मैंने सोचा कि 3D लाइनर से यहाँ डॉट्स बना दूं और दो पैटर्न जो क्रिएट किया है उसके बीच में एक फ्लावर लगा देते हैं, ये देखिए।
गोल्डन से एक अलग लुक आता है, रेड और गोल्डन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर है और ग्रीन का टच भी है हमारे, तो बेसिकली ये पूरा ट्रेडिशनल लुक वाला करवा है। ये देखिए यहाँ ऊपर मैं पर्ल चेन लगा दूंगी और फिर गोल्डन चेन। तो ये देखिए अब इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए हमारा करवा डेकोरेट हो गया है ना, ये बहुत सुंदर। चलिए अब थाली डेकोरेट करते हैं। थाली ले लेते हैं, एक्रेलिक कलर ले लेते हैं, फ्लैट ब्रश ले लेते हैं। तो ब्रश की हेल्प से एक्रेलिक कलर को स्प्रेड कर देते हैं। दो कोट करिएगा थाली पर, एक कोट ड्राई होने के बाद दूसरा कोट जरूर अप्लाई करिए। ये देखिए तो अब मैं ग्लू लगाऊंगी, मैंने यहाँ दो कोट लगाया है और यहाँ मैंने ग्रीन स्टोन चेन यूज कर रही हूँ मैं। कलर टोटली ऑप्शनल है, आप आपके हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। इसे फिंगर की हेल्प से ठीक से करते जाइए सर्कल पैटर्न, ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मैंने हाफ कट पर्ल्स लिए हैं, इसे हम स्टिक कर देते हैं इस तरह से। अब मैंने यहाँ ब्लू स्टोन चेन ले रही हूँ मैं, तो इसको भी स्टिक कर लेते हैं और उंगलियों से इसे सर्कल शेप देते जाइए ताकि हमारा डिजाइन एकदम परफेक्ट लगे। ये बहुत ही सुंदर थाली बनके रेडी होने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो में। अब फिर से मैं यहाँ पर्ल की एक लाइन लगाऊंगी, ये देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए रेडी हो गया। अब मैं यहाँ ग्रीन स्टोन चेन फिर से लगा दूंगी। तो एक पैटर्न क्रिएट किया है हमने, ग्रीन स्टोन चेन पर्ल, ब्लू स्टोन चेन पर्ल और ग्रीन स्टोन चेन। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक कलर कॉम्बिनेशन आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं। जो लीफ हमने कट किए हैं तो वो लीफ यहाँ स्टिक कर दूंगी मैं। ये देखिए इस तरह से पहले सामने सामने लगा दीजिए, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे हमें लगाना है इसे। तो ये बहुत आसान थाली होगी, क्विक भी बन जाएगी, बहुत जल्दी से बन जाएगी ये थाली, बिकॉज हमने यहाँ फोम शीट का यूज किया है। तो इसके आसपास हम ये पर्ल वाली स्टोन चेन लगा देंगे, पर्ल लेस लगा देंगे। तो सारी पत्तियों के आसपास हमें ये लगा देना है। ये देखिए आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब मैं यहाँ फ्लावर पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ, आप कुंदन वाला भी कर सकते हैं। मैं यहाँ मोतियों वाला कर रही हूँ। एक मोती सेंटर में लगा दीजिए और उससे छोटी साइज की मोती उसके आजू बाजू लगा दीजिए, तो एक फ्लावर पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। ये जब सूख जाएगा तब ये बहुत सुंदर दिखने वाला है। ये देखिए ये आप आरती थाली के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जहाँ लीफ है वहाँ हम 3 पर्ल्स लगा देंगे, 2 नीचे और 1 बीच में इस तरह से, और फिर 1 सेंटर में भी लगा देंगे ताकि ये इक्वल डिस्टेंस पे हम लगा सके पर्ल। तो ये टेक्निक है, तो इस तरह से हम लगा देते हैं, है ना, ये बहुत ही आसान। ये देखिए कितनी जल्दी बना दिया हमने ये थाली। अब मैं बॉर्डर पे भी ग्रीन स्टोन चेन लगाऊंगी इस तरह से, और फिर ब्लू स्टोन चेन लगाएंगे। यहाँ आप पर्ल भी लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से, और फिंगर की हेल्प से इसे शेप देते जाएंगे। यहाँ 3D लाइनर लूंगी मैं गोल्डन वाली, और ओम लिख देंगे एक लीफ पर और दूसरे पर स्वस्तिक बना देंगे। ये सूखने के बाद बहुत ही सुंदर दिखने वाली है। फिर ओम लिखेंगे, तो अल्टरनेट ये करते जाएंगे, फिर स्वस्तिक बनाएंगे। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इससे 3D लाइनर से ही मैं यहाँ बेबी पैटर्न बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, तो इससे एक ट्रेडिशनल टच मिल जाएगा हमारी थाली में। रेड एंड गोल्डन कलर एंड ग्रीन कलर, ये तो बहुत ही सुंदर दिखता है ये।
ये देखिए इस तरह से, और फिर अब आप लीफ क्रिएट कर देंगे, है ना। ये बहुत ही आसान और कमाल का आइडिया। अब इसे सूखने के लिए हम छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारी थाली सूख गई है, कितनी सुंदर लग रही है ना। चलिए दिया डेकोरेट करते हैं। तो दिया को मैंने एक्रिलिक कलर कर दिया है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी एक ग्रीन स्टोन चेन, और हम वही पैटर्न क्रिएट करेंगे जो हमने थाली और करवा पे किया है। तो मैं यहाँ 3 मोती लगा दूंगी, 2 नीचे और 1 ऊपर। इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे आप लगा दीजिए। और मैं यहाँ लूंगी 3D लाइनर से फ्लावर बना दूंगी 2 पैटर्न्स के बीच में, ये देखिए। और साइड्स में डॉट्स लगा के इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए सूख गया है। अब आई छन्नी की बारी। छन्नी को भी रेड एक्रेलिक कलर से कलर कर दिया है, और ये लेस लगा देंगे। इसके लिए आप हॉट ग्लू या नॉर्मल ग्लू को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टिक कर देंगे लेस। और जो लीफ हमने बनाए थे उसे भी स्टिक कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। देखिए स्टिक हो गई है। अब हम पर्ल चेन लगा देंगे इसके आसपास, देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने कर दिया है। अब मैं ये पर्ल्स लूंगी, और वही पैटर्न जो ट्रायंगल पैटर्न हमने बनाया है, 2 पर्ल्स और 1 इसके बीच में 1, तो यही हम सेंटर में करेंगे 2 लीफ के बीच में, और फिर इस तरह से इसके आसपास 2 और। ये देखिए लग रही है ना ये सुंदर, बहुत ही सुंदर सेट बनके रेडी होने वाला है। अगर आपने मेरा आरती थाली डेकोरेशन की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जरूर देखिए, उसमें 5-मिनट डेकोरेशन आइडिया भी है और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी है। तो जरूर चेक करिए मेरी आरती डेकोरेशन वाली प्लेलिस्ट, में आई सेक्शन में भी शेयर कर दूंगी। ये देखिए मैंने सारे मोती लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ एक लटकन लगाऊंगी, इस तरह से इसे बांध देंगे लटकन को। ये आपको रेडी मार्केट में मिल जाती है, आप घर पे भी इजीली बना सकते हैं ये लटकन। ये देखिए अब मैं 3D लाइनर लूंगी, और वही हम ओम लिखेंगे और स्वस्तिक बनाएंगे। तो यहाँ मैं स्वस्तिक बना रही हूँ, ओम लिख देंगे। फिर स्वस्तिक बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये छन्नी डेकोरेट कर देंगे। फिर यहाँ 2 पैटर्न के बीच में हम ये डॉट्स लगा देंगे, और ये लीफ पैटर्न क्रिएट कर देंगे इस तरह से। तो हमारा पूरा सेट एकदम मैचिंग हो जाएगा। 3 डॉट्स और लीफ पैटर्न। अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। ये देखिए ड्राई हो गई है हमारी छन्नी, लग रही है ना सुंदर, और इजी आइडिया है ये। तो फ्रेंड्स हमारा पूरा सेट कंप्लीट है। यहाँ ये देखिए आरती थाली हमारी आ गई है, कितनी सुंदर और इजी है ये। ये है मैचिंग छन्नी। तो बेसिकली हमने पूरा सेट यहाँ कंप्लीट कर लिया है ना, ये कमाल का आइडिया। साथ में दिया रख देंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट करवा। देखिए कितना सुंदर और डिजाइनर लग रहा है ये पूरा सेट। ऐसा सेट मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, तो क्यों ना इस करवा चौथ खुद ही सजाए अपना करवा चौथ का सेट, और अपना पर्सनलाइज टच भी दे इसे। तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये लटकन भी, और मैचिंग दिया, और ये करवा। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।